परासिया नगर पालिका में कई वार्डों में गंदा पानी आने की शिकायत के बाद सीएमओ ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जनता को साफ पानी उपलब्ध कराने की बात कही। कई वार्डों में गंदा पानी मिलने की शिकायत के बाद सीएमओ दुर्गेश सिंह ने फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और बताया कि गंदा पानी आने की शिकायत कई वार्डों से मिल रही थी, जिसके बाद फिल्टर प्लांट के निरीक्षण में पाया गया कि प्लांट सही ढंग से संचालित किया जा रहा है, लेकिन फिर भी गंदे पानी की शिकायत आने पर समस्या का हल निकाला जाएगा। पानी की जांच हेतु लेबोरेटरी भेजा जाएगा, जनता को साफ पानी मिले यही प्राथमिकता है। वार्डों से हमें ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि पानी गंदा आ रहा है, हर पानी की क्वालिटी खराब हो रही है। इसके इसी वजह से आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया फिल्टर प्लांट में, फिल्टर प्लांट में सही से बात कर रहा है कि नहीं, यहाँ फिल्टर हो रहा है। इसके द्वारा मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि फिल्टर प्लांट पर पानी पूरी तरह से फिल्टर हो रहा है। इसकी रिपोर्ट भी हमने 3 दिन पहले PSC विभाग से जाँच करवाकर बुलवाई थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।